जय जय श्री राधे कृष्णा। डीवी भारती समाचार चैनल पर आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मैं आचार्य राजेंद्र वेदी शास्त्री राजगढ़ झांसी। आइए जानते हैं आज 12 राशियों का फल। सबसे पहले राशि मेष। मेष राशि वालों को आपको आज के दिन कोई नई शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है, या आप किसी भी प्रकार से समस्या में संबंधित हैं तो आपके लिए चाहिए श्री हनुमान जी की आराधना करना एवं चींटियों को गुड़ खिलाना श्रेष्ठ और उत्तम कारक रहेगा। दूसरी राशि है वृक्ष। वृक्ष राशि वालों को आपका भाग्य का उदय हो सकता है, लेकिन आपका राशि स्वामी जो शुक्र है, इसलिए आप यदि सफेद मोती या सफेद मोती की माला या शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र धारण करें तो आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम कारक रहने वाला है। तीसरी राशि है मिथुन। मिथुन राशि वालों को आपको आज विद्याध्ययन जैसे क्षेत्रों में सफलताएं प्राप्त होगी, और आप यदि बार बार किसी पद पर पहुंचते पहुंचते खिसक जाते हैं तो आपको चाहिए या तो एक छोटा सा कार्य पन्ना नामक रत्न धारण करें, या फिर आप भगवान गणेश जी का तंत्रोक्त अनुष्ठान गणेश पंचरत्न गणेश अथर्वशीर इत्यादि इत्यादि जैसे स्तोत्रों का अनुष्ठान करें करवावें। चौथी राशि है कर्क। कर्क राशि वालों को आपको आज के दिन कोई पूर्व से पद पर प्रतिष्ठित है नए पद की प्राप्ति हो सकती है। पांचवी राशि सिंह। सिंह राशि वालों को विद्याध्ययन जैसे क्षेत्रों में सफलताएं प्राप्त हो सकती हैं एवं माता पिता आदि का सहयोग प्राप्त होगा। छठवीं राशि कन्या। कन्या राशि वालों को आपको आज के दिन पूर्व से ही किसी पद पर प्रतिष्ठित नए पद की प्राप्ति एवं कोई नया शुभ काम शुभ सूचना प्राप्त हो सकती है। छठवीं राशि है कन्या। कन्या राशि वालों को भाग का उदय नए पद की प्राप्ति स्थानांतरण जैसे योग बन रहे हैं। सातवीं राशि है तुला। तुला राशि वालों को आप यदि किसी कार्य के क्षेत्र में आज निकलते हैं तो आपका कार्य सिद्ध संपन्न होगा। आठवीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों को आपको आज के दिन यदि आपका कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है मूंगा नामक रत्न धारण करें जो कि आपके लिए श्रेष्ठ उत्तम कारक है। नवम राशि है धनु। धनु राशि वालों को भाग का उदय होगा नए पद की प्राप्ति। दशम राशि मकर। मकर राशि वालों को आज मित्रों से सहयोग होगा, शत्रु आपके परास्त होंगे। ग्यारहवीं राशि है कुंभ। कुंभ राशि वालों को आपको भूमि भवन आदि निर्माण जैसी योजनाएं मन में आ सकती हैं एवं आप नीलम अथवा उपरत्न नीली रत्न धारण करें जो कि आपके लिए श्रेष्ठ और उत्तम कारक रहेगी। बारहवीं राशि है मीन। मीन राशि वालों को आपको आज के दिन घर परिवार वालों से सहयोग प्राप्त हो सकता है, शुभ संकेत और धर्म के प्रति रुचि भी आपकी रहेगी, और आप पुखराज नामक रत्न धारण करें। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय माँ पीतामरा, जय माँ विंध्यवासिनी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।